पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शख्सियत मोहम्मद असलम बंडालवी अक्टूबर 1969 में आजाद कश्मीर के गांव बंडाल से बरतानिया के शहर निल्सन आए, फैक्ट्रियों और बसों में काम किया और उर्दू अदब के फरोग और कश्मीर के मजलूम लोगों के साथ हमदर्दी को अपना मिशन बनाया। मोहम्मद असलम ने दुनिया न्यूज के नुमाइंदे शकील सलाम से बातचीत करते हुए जहां बरतानिया के हालात और अपनी समाजी और सियासी जिंदगी के बारे में बात की, वहां परदेश में अपनों से दूरी के एहसास का भी जिक्र किया। चौधरी मोहम्मद असलम का तल्लक बंडाल भिम्बर आजाद कश्मीर से है। स्कूल की उम्र में पहली मरतबा अक्टूबर 1969 में बरतानिया आए। चौधरी मोहम्मद असलम ने इब्तदाई तालीम अपने गांव बंडाल से हासिल की। इंग्लैंड का तस्वर ही था, यूरोप का तस्वर तो आज भी लोगों को बेचैन किए हुए है, खासतौर पर नौजवानों को। तो यहाँ आकर के फिर दुनिया बदलती है, फिर ख्याल भी बदलते हैं, सोच भी बदलती है। लेकिन वहां तो ऐसा होता है ना, जैसे बस वो लोग सूट बूट में आते हैं, बड़े नफीस कपड़े पहने हुए आते हैं। यकीनन कोई बड़ी ऐसी जगह है जो बड़ी आसान है, मगर ये तो यहाँ आके पता चला ना कि बड़े तलख हैं बंदाए मजदूर के। आपने नेल्सन को अपना घर बना लिया जहाँ रोजगार के मौके थे। इंडस्ट्री थी यहाँ पर, मिलें थी जो अब बंद हो गई हुई हैं। अच्छा, और अब तो इंडस्ट्री वैसे भी काफी चेंज हो गई है, तो यहाँ पर अपनी जो दुकानें होती थी, जो अपने ग्रोसरी की दुकानें, हलाल गोश्त बेचने, मेरे हाल में पूरे शहर में कोई दो दुकानें या तीन थी गालबन, इससे ज्यादा नहीं थी। तो लेकिन अच्छा लगा, क्योंकि अपने जो लोग थे यहाँ पर अच्छे थे, और उस वक्त मोहब्बतें ज्यादा होती थी, लोग कम होते थे, मोहब्बतें ज्यादा होती थी। जो नया बंदा आता था बड़ी तड़प होती थी दिल में जाके, जहां कहीं भी हो, कहीं दूर भी हो ना, तो होता पहली फुर्सत में जाके उनसे मिला जाए, घर से को खत आया होगा, को रुका आया होगा, कोई चीज आई होगी। मोहम्मद असलम ने उर्दू के फरोग के लिए अब्दुल्ला जैद और दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर काम भी किया। यूं समझे कि वक्त गुजारने का हमें बहाना चाहिए होता, तो उनने उनकी एक डायरी सी लिखी हुई थी, उनके मुख्तलिफ मुंतखबा अशार की, तो वो उनको कहते हैं यार अब्दुल्ला इसकी तबाद करा लो, तो मुझे अभी भी वो बातें उसी तरह से याद हो गया। उन्होंने उसका बाद का जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने कहा यार एक वक्त आएगा मलिक साहब, कभी आपने सोचा है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं उनको ना ये बरतानवी मुआशरा एक्सेप्ट करेगा और ना हमारा पाकिस्तानी मुआशरा ही उनको एक्सेप्ट करेगा, हमें उनके बारे में कुछ फिक्र करनी चाहिए। तो तब से फिर हमने ये सोचा, फिर हमने हल्का यारा के नाम से हल्की एक छोटी सी तंजीम बनाई। चौधरी मोहम्मद असलम बंडालवी कश्मीरियों के साथ यकजहती में पेश पेश थे। नेल्सन में मुकामी काउंसिल में सबसे पहले कश्मीर वर्किंग ग्रुप का क्याम अमल में लाया गया। असल में ये जब तहरीक चली ना जी 89 में, जब अपना मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो उन दिनों में इसमें फिर पूरे जहां जहां भी कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद थी, लोगों के दिलों पर यह आवाज दस्तक दे रही थी हमें कुछ करना चाहिए। फिर वहां पर उन्होंने कश्मीर वर्किंग ग्रुप, ऑल पार्टी कश्मीर वर्किंग ग्रुप के नाम से पैंडल में, बरतानिया का ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये कश्मीर वर्किंग ग्रुप कायम, सब हम इकट्ठे ही थे। तो ये था कि जो काउंसलर थे उन्हीं में से किसी ने काउंसिल चैंबर में, उसकी काउंसिल की मीटिंग में किसी ने इसको प्रपोज करना था और किसी ने सेकंड करना था। तो मियां आदिल अली साहब उस वक्त इसके काउंसलर थे लेबर पार्टी के, हम भी लेबर पार्टी में ही थे उस वक्त, तो उन्होंने इसको प्रपोज किया। और सजाद अदर करीम साहब जो MEP हैं अभी, जो यानी थे, तो उन्होंने इसको सेकंड किया। ये लिबर डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, इन्होंने इसको सेकंड किया और यूं कश्मीर वर्किंग ग्रुप बन गया। बरतानिया में जहां उन्हें हर मुमकिन कामयाबी मिली, वहां बरतानिया में रहते हुए अपने वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर उनका आखिरी दीदार न हो सका। कैमरामैन नासिर हुसैन के साथ शकील सलाम, दुनिया न्यूज, ब्लैकबेरी।